party? Okay, good evening everyone. Welcome back on Game Time. ठीक है, Game Time पे आप सभी लोगों का स्वागत है. जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग जो है अपनी एक नई रिएक्शन सीरीज को करेंगे स्टार्ट. नए नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाइए सभी कलाकार, जितने लोग भी हैं ज्वाइन करिए सेशन, बिकॉज सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और इस सेशन में आप काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए फटाफट आ जाओ, आप ज्वाइन करो. फेवरेस की रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग आज. ठीक है, फेवरेस की स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग थंबनेल में भी सही है और ये भी सही है. भाई कुछ कलाकार होते हैं ना, कहते हैं मास्टर को फेवरेस की का ये स्पेलिंग ही लिखने नहीं आता. बहुत होते हैं ऐसे कलाकार. फेवरेस्की की स्पेलिंग सही है, ऐसी बात नहीं है. फेवरेस्की की वही एग्जैक्ट स्पेलिंग है, साइंटिस्ट दोनों वर्ड पे लिखते थे, रशियन साइंटिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने काम किया था, काम उनका बड़ा मार्वलस है. ओके, गुड इवनिंग सुमन, मुकुल, पारुल, नैना, नवजोत, मेघा, दीपू. ठीक है, तो फेवरेस्की रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, फेवरेस्की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. फेवरेस की रिएक्शन की कंडीशंस को पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. पहले आप देखो कि आपके सामने अगर रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो तो कितने नंबर्स ऑफ पाथ अवेलेबल्स हैं और कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. तो इसलिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, अभी तक तो नॉर्मली पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता, लेकिन आने वाले टाइम में आपसे टफ भी पूछ सकता है. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया सा तरीका है कि आप सारे पाथ करा लो और सारे पाथ की काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद ही फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचो. ठीक है, अब जैसे देखो होता क्या है इसमें. एक्चुअली ये रिएक्शन भी आपकी जो है अल्फा हाइड्रोजन डिपेंडेंट ही है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंस है तभी जो है आपकी ये रिएक्शन होगी. इसमें हम लेते क्या है कि अल्फा हेलो कंपाउंड्स लेते हैं. ठीक है, अल्फा हेलो कंपाउंड्स के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लिए या कोई एक्स लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, और इसको किसी स्ट्रॉन्ग स्मॉल बेस के साथ ट्रीट कर देते हैं. ठीक है, जैसे बेस आपका कोई भी हो सकता है, इथॉक्साइड आयन भी हो सकता है, और इथॉक्साइड आयन होने के साथ साथ हो सकता है अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट यूज करें, उसमें KOH ले लें, उसमें NaOH ले लें, या हो सकता है कि इथॉक्साइड आयन को ही इथेनॉल में ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं अगर बात करूं कि इसे मैं ट्रीट कर रहा हूं किसमें, NaOH में. ठीक है, इथॉक्साइड आयन, और सॉल्वेंट मेरा जो है वो क्या है, इथेनॉल है. जिसका आयन लेंगे डेफिनेटली उसी का सॉल्वेंट भी यूज करेंगे ताकि साइड रिएक्शन मिलने के चांसेस कम हो. ठीक है, अब इथॉक्साइड आयन के बारे में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये एग्जिस्ट करेगा Na पॉजिटिव के फॉर्म में और OET नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. 2p का है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. जब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है. साइज कोई बहुत बड़ी नहीं है, स्मॉल है, तो ये बिहेव कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह. मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का कैरेक्टर रख रहा है. अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे है. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी यहाँ पे है, समझ रहे हैं, ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. उसके साथ साथ क्या है कि अल्फा पोजिशन पे आपके एसिडिक प्रोटॉन्स भी हैं. तो देखो ये चारों पाथ से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये ध्यान रखना. अभी आप एक ही जानते हो, फेवरेस्की उसी पे कराते हो, वो रीअरेंजमेंट कराते हो. फेवरेस्की का काफी बड़ा काम है. ठीक है, तो अगर ऐसे रिएक्टेंट जब बदलेगा ना तो चीजें बदलेंगी. तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए हर एक पाथ के बारे में, तभी जाके आप ढंग से कर पाओगे. अदरवाइज आपके क्वेश्चंस को गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी. तो पहले तो आप एलिमिनेट कर लो आप कि जैसे ये पाथ है, ये पाथ है,
यहाँ पे पाथ है और यहाँ पे पाथ है, ठीक है। कितने टोटल रास्ते हैं? 1, 2, 3 इधर कर दूं ना, 3 और 4, ठीक है। टोटल रास्ते 3 हैं। एक इंटरेक्शन करना है पाई एंटीबॉन्डिंग सीओ में, एक इंटरेक्शन करना है सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीसीएल में, एक इंटरेक्शन करना है सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीएच में, एक और भी करना है सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीएच में। पहला इंटरेक्शन जो है, दूसरा वाला पाथ है, पाई एंटीबॉन्डिंग सीओ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका फोर्थ वाला जो पाथ है, किससे कोरिलेट कर रहा है? सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीएल से। और जो ये फर्स्ट वाला पाथ आपका है, फर्स्ट वाला पाथ किससे कोरिलेट कर रहा है? सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीएच से। और थर्ड वाला पाथ भी किससे कोरिलेट कर रहा है? सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीएच से। इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ बॉन्ड वीक होगा, उसी का एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है बेटर लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा, सब जानते हैं हम। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, या ये हम डिस्कस करें काइनेटिक के बारे में, किसके बारे में डिस्कशन करें? काइनेटिक के बारे में। तो दूसरे की काइनेटिक सबसे फास्ट होगी, उसके बाद चौथे की, उसके बाद दोनों सेम है, फास्ट कहाँ पे होगी? यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंस है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंस है, एक्स का माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा जिसकी वजह से इस प्रोटॉन की एसिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो दूसरे चौथे और तीसरे के बाद सबसे स्लो काइनेटिक किसकी होगी? पहले की होगी। ये चार पाथ हैं। चारों पाथ अगर फॉलो आप कराते हो, जैसे अगर आप पहला पाथ फॉलो कराते हो जिसकी काइनेटिक सबसे स्लो है, तो पहला पाथ फॉलो करके ये क्या बनाएगा? पहला पाथ फॉलो करके अनायन बनाएगा, ठीक है। ये एक्स, ये अनायन किसका फॉर्मेशन करेगा? एनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो सबसे स्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पाथ के बारे में बात करें, जैसे सेकेंड पाथ के बारे में बात करें, तो सेकेंड पाथ में आपका क्या दे रहा है? ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है। एडिशन रिएक्शन देके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ओईटी। और यहाँ पे आपका क्या? सोडियम आयन बन जाएगा। यहाँ पे टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट पाथ फॉलो करके ये बना रहा है, सेकेंड पाथ फॉलो करके ये बना रहा है, और थर्ड पाथ जो आपका फॉलो कर रहा है, थर्ड पाथ में आपका क्या प्रेजेंस है? थर्ड पाथ में भी हमारा यहाँ पे आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के साथ सीएल, ये डबल बॉन्ड ओ, ये भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जिसने अब्स्ट्रैक्ट किया, उसी का जो है इंट्रैक्ट कर गया कटायन यहाँ पे। उसके बाद जो आपका फोर्थ पाथ है, फोर्थ पाथ में कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN2 रिएक्शन हो रही है, और SN2 रिएक्शन देके इस टाइप के प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में ही बाहर क्या निकाल रहा है? NaX। ये सारे पाथ हैं। काइनेटिक सबसे फास्ट इसकी है, उसके बाद काइनेटिक फोर्थ पाथ की है, उसके बाद काइनेटिक के बारे में बात करें इसकी सबसे कम काइनेटिक इसकी है। कितना इंटरेस्टिंग है ये रिएक्शन, कितना इंटरेस्टिंग है। इसकी भावनाओं को अगर आप समझेंगे तो बहुत मजा देगी ये रिएक्शन। अब आप देखिए, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। पहला पाथ अगर फॉलो करता है इसको, पहले इसे देखो आप, जिसकी काइनेटिक सबसे फास्ट है वो करेगा कि नहीं करेगा? वो अगर फॉलो करता है तो टेट्राहेड्रल कार्बन में कन्वर्ट करता है। टेट्राहेड्रल कार्बन की यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है कम है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने के चांसेस भी हैं। अगर बैकवर्ड में नहीं जाता है तो ओ नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से इंट्रैक्ट करेगा। कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल नहीं लिया है, इंटरनल मॉलिक्यूल ही प्रेजेंस है, तो चांस है यहीं पे देख के किसका फॉर्मेशन कर ले? NaCl, NaX को बाहर कर दे। X है भाई, जहां क्लोरीन लगा होगा वहां X लगा लेना है आप, ठीक है, ठीक है। NaX को बाहर करके थ्री मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर ले, 1, 2, 3, ध्यान देना है आप। ऑक्सीजन ये और आपका इस पोजीशन पे मिथाइल, और क्या है? OET। ऑक्साइरेन का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। बहुत सारे रिएक्शन में आपको ये भी बनते मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए सारे रास्ते आप जानते रहो, लावरेश्की के वेरिएशन जानते रहो। जो काइनेटिकली सबसे फास्ट है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें क्या है? स्ट्रेन। तो इसके फॉर्मेशन के चांसेस सबसे कम दिख रहे हैं, काफी कम,
कारण टेट्राहेड्रल लेस स्टेबल, अगर ये बनता भी है तो ये स्टेबलाइज्ड होके साइक्लाइजेशन करके ऑक्साइराइन का क्या करेगा, फॉर्मेशन, और ऑक्साइराइन का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पे रिंग स्ट्रेन है, यहाँ पे पोलैरिटी है, बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क कर रही है। एक तो बॉन्ड एंगल कम है, साथ ही साथ हेट्रो एटम्स जुड़े हुए हैं, तो पोलैरिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो सबसे फास्ट पाथ फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो पाथ फॉलो कर रहा है उसमें ये बना रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो बॉन्ड एंथैल्पी में थोड़ा सा चेंज मिल रहा है, हो सकता है एक्स वीक बॉन्ड बना रहा हो, ऑक्सीजन स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा हो, बट देयर इज नो मच मोर चेंज इन अ पोलैरिटी। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये कार्बन ज्यादा पोलर हो जा रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग प्रॉपर्टी होती है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट क्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, या फ्लोराइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये पाथ फॉलो करके ये बनाएगा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास NaOH जो है उसके पास सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी है कि वो प्रोटॉन निकाल सकता है, तो प्रोटॉन वाले पाथ को फॉलो करने की बात करें तो यहां से निकाल सकता है, यहां से निकाल सकता है, यहां से निकाल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ दो अल्फा हाइड्रोजन, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन रहे हैं, और टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या है, टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरे पाथ में अगर निकालता है तो यहां पे भी आपके क्या बन रहे हैं, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस थ्री अल्फा हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली ये जो बनने वाला है ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा यही बनना चाहिए। लेकिन जब ये बन जाएगा रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यहां पे साइक्लाइजेशन के चांसेस नहीं है, बिकॉज देयर इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये बनता है तो इस केस में क्या है कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके किसका फॉर्मेशन कर सकता है, ऑक्साइरेन का। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ऐसा सवाल आएगा, इसका फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा मुझे ये पता है कि एनोलेट है ये, ऑक्सीजन सेंटर्ड न्यूक्लियोफाइल, कार्बन सेंटर्ड न्यूक्लियोफाइल, कार्बन सेंटर्ड न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ये इंट्रैक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर दे, फर्स्ट वाले से भी थ्री मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोचो अब कितना वेरिएशन है, अब ज्यादा कौन बनेगा और रिएक्शन कहां से होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, ठीक है, कंफर्म है। और जब ये अटैक करेगा तो यहां पे क्या बाहर होगा, दोनों के केस में कौन बाहर हो रहा है, एनएक्स प्लस, उसने प्रोटॉन निकाला है, किसने निकाला है, इथॉक्साइड आयन ने, कन्वर्ट किसमें हुआ होगा, इथेनॉल में। अब हमारे पास इथेनॉल पड़ा हुआ है, देखो ये तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके टेट्राहेड्रल ही बनाएगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये तो यहीं पे बनेगा, इथेनॉल इसे प्रोटोनेट करके बैकवर्ड डायरेक्शन लेके चला जाएगा, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, बस इतने ही है ना, ये भी बन सकता था। अगर ये तीनों बन रहा है सपोज, तो इथेनॉल सबसे फास्ट रिएक्ट किसके साथ करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेनोन बन रहा है, ये साइक्लोप्रोपेनोन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जो आपका विशिनल डायोल जेमिनल डायोल के बारे में पढ़ा है कि नहीं, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इस केस में एग्जिस्ट करेंगे। उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, यहाँ 120 डिग्री है, दो OH ग्रुप लगा दोगे तो एंगल टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेन रिलीज्ड होगा, ठीक है, तो इसलिए दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे कार्बन पे एग्जिस्ट करेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप यहाँ पे ETOH का यूज करेंगे, ETOH का यहाँ पे अटैक करा के दोबारा किसका फॉर्मेशन करा लेंगे, टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट का, OET और OH। अभी ये लेस स्टेबल है और साथ ही साथ स्ट्रेन है, रिंग ब्रेक हो सकती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CC में, किसी में कर सकता है, रीजन ये दोनों सिमेट्रिकल है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CO में नहीं करेगा, बिकॉज अगर उसमें करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए किसी भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CC में अटैक करके किसका फॉर्मेशन कर ले, ये यहां पे क्या H और यहां पे आपका क्या लगा है OET और यहां पे आपका क्या बन गया CH2 नेगेटिव, यही यहां से प्रोटॉन ले ले। अब ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बॉन्ड वहीं पे टूटेगा जिसका कार्बनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज बॉन्ड वो टूटेगा नहीं। तो ये आपका प्रोटॉन लेके किसका फॉर्मेशन कर ले, CH3CH2 एस्टर का, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा ये फाइनल इस रिएक्शन में यही मेजर बनेगा। ये रिएक्शन जा किससे रही है, कौन सा पाथ चूज कर रही है, चूज कर रही है काइनेटिकली लेस फेवरेबल पाथ, बना रही है साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट, वो साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट फाइनली डीकंपोज्ड होके या ब्रेक होके आपका फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। ये फर्स्ट वाले से ही बन रहा है, यही अटैक कर रहा है ना अल्फा कार्बन पे, एक्स बाहर 1 2 3 रिमेंबर्ड रिंग, ये बन गया, ठीक है। ये एक में ही लिख दिया, मैं चाहा कि एक ही कॉपी पे दिखाऊं, ये आपको पता है। इतना बताने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है कि आप एक ही रूल पे मत चलना। एक चीज और हो सकती थी, पूछिए क्या, यहां एक्स के जगह अगर मैं एक कार्बन और बढ़ा देता बीटा हाइड्रोजन हो जाता, एलिमिनेशन भी देने लगता, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी बना सकता, ये प्रोडक्ट भी बनेगा। आप सोचिए, अरे यहां पे CH3 इवन सीबी नहीं करेगा, E2 मैकेनिज्म से इवन सीबी कहां करेगा, अल्फा पोजीशन पे प्रोटॉन थोड़ी ना है कि कंजुगेट बेस बनेगा, E2 मैकेनिज्म से जाएगा, इवन से भी नहीं जाएगा। बेसिक कंडीशन में ही एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, बिकॉज कार्बोकैटायन बनना नहीं। तो देखो आप फेवरिस्टी में इतने रास्ते होते हैं, इसलिए बताया क्योंकि मैं सारे रास्तों के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा स्टेबल कौन होता है, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे तनिष्का, वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा कि स्टेबल कौन पर बनेगा। भैया ऐसे रिफरेंस हमारे पास नहीं है, हम तो बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ना, हर एक पाथ का रिफरेंस दिखाएंगे। चले चलो क्वेश्चन करेंगे, सबका रेफरेंस मिल जाएगा। फेवरेस्की का जो काम है ना, स्पेलिंग देखे हो क्या लिखवाए हैं, KI वाली नहीं लिखवाए हैं, तो उस स्पेलिंग में सारी रिएक्शंस करेंगे जिनके ऊपर फेवरेस्की का काम, जितने पेपर पब्लिश्ड हैं, ठीक है मित्र। रीअरेंजमेंट में नॉर्मल आपको रीअरेंजमेंट टाइप के मिलेंगे, रिएक्शंस में सारे इंक्लूड्स हो जाते हैं, रीअरेंजमेंट प्लस अनदर रिएक्शंस भी जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, जिसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बन रहा है, जिसमें हो सकता है कि SN2 मैकेनिज्म भी हो रही हो, ठीक है, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे, चलो इसे तो मत करो, पहले ये क्वेश्चन बताओगे आप, ये तो आराम से कर लोगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत मिले हो। Cl के साथ कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहां पे भी सारे पाथ होने के चांसेस हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, बोलिए जी। यहां पे भी कितने रास्ते हैं, यहां पे भी, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां कार्बन पे अटैक कर सकता है, यहां के हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, एज वेल एज इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। कितने रास्ते हैं, यहां पे कर सकता है, 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 सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, लेकिन पाथ वो फॉलो करेगा जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट जो बनाएगा वो अल्फा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन से ही बनाएगा। तो हम कौन कौन सा पाथ कैंसिल आउट कर देंगे, ये पाथ कैंसिल आउट कर देंगे, ये पाथ कैंसिल आउट कर देंगे, एज वेल एज जो कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है इस पे ये पाथ कैंसिल आउट करा देंगे। इंटरेक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CH के साथ ही,
दो तरह के सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सी एच है। पहले वाले से अगर इंट्रैक्शन करता है जो काइनेटिकली फास्ट है तो ये बनाएगा, दूसरे वाले से अगर इंट्रैक्शन करता है तो जो काइनेटिकली कंपेरेटिवली उसके कंपेयर में स्लो है ये बनाएगा। ये एनोलेट आपका ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय डी ऑर्बिटल। ये एनोलेट आपका कम स्टेबल होगा बिकॉज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देयर इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देयर इज अ डी ऑर्बिटल एज वेल एज देयर इज अ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन रह रहे हैं, ये डिलोकलाइज्ड हो रहा है तो इस केस में आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, चार अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये कंपेरेटिवली कम स्टेबल है। लेकिन जब आप इसे बना लोगे ना तो इसे बनाने के बाद जो आपका है ओ नेगेटिव और सी एल बन के रिएक्शन यहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप। इसे जब आप बनाओगे तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के क्या हो जाएगा आपका, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के ओ नेगेटिव और ये सी एल। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये भी इंट्रैक्ट कर सकता है बट इसके कंपैरिजन में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा ना। ठीक है, 6 सितंबर को एग्जाम है, डेट आ गई क्या? ठीक है, ये अटैक करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, साइक्लोप्रोपेनोन का। ऐसे आप बता रहे हो जैसे लगा। ठीक है, बाहर आपका कौन निकलेगा यहां से, NaCl। यहां से जब इसने प्रोटॉन निकाल के ये बनाया तो बाहर कौन निकला था, वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास दो स्पीसीज है जी, Cl नेगेटिव और क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। बेटर न्यूक्लियोफाइल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कौन होगा, जिसकी लिविंग एबिलिटी कम, ये गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। ये अटैक करके दोबारा आपका किसका फॉर्मेशन करेगा, टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट का, ओ ठीक है नेगेटिव और आपका क्या है यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। हाँ, आप इसे डायोल भी बना सकते हो, ये तो बहुत फास्ट बन जाएगा बिकॉज देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन, बट ये आपका कंपेरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल रीजन, 3 मेंबर रिंग अटैच्ड है। ये क्या करेगा, इधर कोई भी बॉन्ड आपका जो है ब्रेक हो सकता है। अरे कंपेरेटिवली की बात किए थे, गजब बेइज्जती है, हैं? कोई भी ब्रेक हो सकता है और कोई भी ब्रेक हो सके किसका फॉर्मेशन कर सकता है आपका, ये यहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH, इस पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव का ट्रांसफर होके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2 OH का। कंफर्म है, कोई भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। क्यों फ्रेगमेंटेशन क्यों होगा, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप और थोड़ी इन प्रेजेंस है भाई, ये नेगेटिव चार्ज बना तो बस ये प्रोटोनेशन होके स्टेबलाइज्ड हो सकता है ना, कोई और एंटिटीज थोड़ी ना, ये इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर थोड़ी निकाल देगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। सही है, बना के दिखा देना, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। सही है, देखिए यहाँ जब साइक्लोप्रोपेनोन बन रहा है तो ये 5 और 3 मेंबर रिंग है, साइक्लोप्रोपेनोन जो आपका बन रहा है 3 और 5 मेंबर रिंग है, तो रिएक्शन ये फिजिबल है। इस साइक्लोप्रोपेनोन जब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर भी आपके रिएक्शन की मैकेनिज्म डिपेंड करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेनोन बनेगा और किस रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेनोन नहीं बनेगा। जनरली हम जितने भी ए साइक्लिक कंपाउंड हैं उसमें अगर रिएक्शन कराने जाएंगे फेवरेस की तो डेफिनेटली साइक्लोप्रोपेनोन बनना ही बनना है, उसी से बन के वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। लेकिन अगर हम रिंग के बारे में बात करेंगे, साइक्लिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो साइक्लिक सिस्टम में
वेरिएशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। साइक्लिक सिस्टम में क्या होगा आपका, वेरिएशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? है कौन कैसे निकल रहा है? अरे सीएल जब ये अटैक कर रहा है तो सीएल नहीं निकल जा रहा है? हाँ तो बिल्कुल बॉन्ड बनेगा ना, डबल बॉन्ड क्यों, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना। गजब हाल है भाई। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हरी सारे पाथ होते हैं, आपको मोस्ट ऑफ बुक्स में मिलेगा नहीं जो आप किताबें पढ़ते हो, ठीक है? पाथ सारे फेवरेबल हैं, साइड रिएक्शन होके बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, हम मेजर उसी को करते हैं जो हमारे लिए मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जा रहा हो या लो एनर्जी के पाथ से जा रहा हो। जनरली हम थर्मोडाइनमिक फेवरेबल प्रोडक्ट ही ऑब्जर्व करते हैं, वो बनने की टेंडेंसी डिपेंड करती है कि कितने स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है, कितने स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से जा रहा है, और फाइनली बनने के बाद थर्मोडाइनेमिकली कितना स्टेबल है। अगर आप कोई मॉलिक्यूल लोगे तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटर इन अ मॉलिक्यूल, ये आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया उसे चार ऑब्जेक्टिव में से एलिमिनेट करना बहुत सिंपल हो जाता है। बट जनरली आप एक ही चीज, जिस तरह से आपने मैकेनिज्म देखी वैसे ही प्रोसीड आप कराते जाते हो, धड़ 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 धड़, तो पता चलता है कि जो क्वेश्चंस आपको सही भी करना चाहिए आप वो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत करके आते हो, ठीक है? तो सारे बात आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक सवाल है जी, सवाल ये है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सीएल इसका रिएक्शन कराइए आप NaOH के साथ इथेनॉल में। हाँ सीएल है, गजब बेइज्जती है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओईटी, ठीक है, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ओईटी एंड ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी, ओएच ओईटी, बोलो आप ए बी सी डी, एक ए बी सी डी, ए बी सी डी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आंसर बताओ, कमेंट करो आप, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा? इधर बताओ आप, कमेंट करो, सुमन कर्माकर, बी मुकुल, बी 100% श्योर, बाकी लोग, आशी बी, डन है, नवजोत बेन बी, और कोई है जो बताएगा? है कोई? देखिए, अब देखिए, हमें सब कुछ पता है, हमने ये क्या ले रखा है, इसके पास बेसिक कैरेक्टर है जी, तो डेफिनेटली हम चूज किसे करेंगे, प्रोटॉन को चूज करेंगे, एसिडिक प्रोटॉन को।
एसिडिक प्रोटॉन यहां पे है सबसे ज्यादा, उसके बाद एसिडिक यहां पे है, उसके बाद यहां पे है। यहां पे रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनना नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। यहां पे होगा तो यहां पे होके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, ये हाईली अनस्टेबल होगा बिकॉज थ्री मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड विद अ फोर मेंबर्ड रिंग। तो इसके लिए ज्यादा आसान होगा कि यहां से प्रोटॉन निकाल के E2 मैकेनिज्म के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर ले, इसका। ये फेवरस की है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द फेवरस की, ठीक है, पारुल बी क्वासी फेवरस की, पता नहीं आसी क्वासी ढासी याद रखने की जरूरत थोड़ी ना, इतना याद रखोगे तो नमूना याद करते रह जाओगे। सही है, क्लियर है? हाँ, सबसे ज्यादा फिर ये था, ये निकल के ये बना रहा है जो सबसे अनस्टेबल है। थ्री मेंबर रिंग फ्यूज्ड विद अ फोर मेंबर रिंग। अगर आप सोचो, सोचना है बस आपको, अगर आप सोचो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशंस हो जहां पे ये डबल बॉन्ड भी ना बन पा रहा हो, तब कौन सा पाथ जाने का चांसेस है? सब्स्टिट्यूशन जाने का चांसेस है, और अगर यहाँ फोर फोर फ्यूज्ड बन रहा होगा ना तो ये भी बनने के चांसेस है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, जब कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं तब तो एसएन जाएगा, वो तब तो एसएन जाएगा। नहीं, फोर फोर टाइप के भी हमें मिलेंगे फ्यूज्ड, जो थ्री फोर के कंपैरिजन में क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। क्या चीज बैक स्लाइड, ये प्रीवियस सेकेंड वाला, हाँ तो बैकवर्ड चला जाएगा ना, वो इसी को तो अटैक कराए हैं, जब वो चला ही जाएगा तो बैकवर्ड जाएगा ना। चलो ठीक है, क्लियर है? हैं, ये करके दिखाओ, ठीक है? हैं, किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं? NaOH के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कर दें। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप? प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इंटरमीडिएट कौन बनेगा ये बताना है आपको, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका ये बनेगा, ना बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कंफर्म? या आपका इंटरमीडिएट ये बनेगा, ठीक है, सॉरी, या आपका इंटरमीडिएट ये बनेगा, या इंटरमीडिएट ये बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा, ये अनस्टेबल होगा ना, इसमें दो और बन सकता है, बनाओ, ठीक है। यहां फ्रेगमेंटेशन होगा, सबसे पहले ध्यान देना आप, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? रिंग के बारे में बात करें तो इस कार्बन पे जो एंगल एडॉप्ट कर रहा है 120 डिग्री, कैपेबिलिटी कितनी है 90 एडॉप्ट करने की, स्ट्रेन कितना है मॉलिक्यूल में 30 डिग्री। अगर आप यहां से प्रोटॉन निकालते हो तो प्रोटॉन निकालने के बाद जो आपका बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, ओ नेगेटिव और सीएल, दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए।
अब इस पे भी 30 डिग्री का स्ट्रेन, इस पे भी 30 डिग्री का स्ट्रेन, प्लस टोटल कितना स्ट्रेन हो गया 60 डिग्री का। तो स्टेबल से अनस्टेबल क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी क्षमता है 120, इस पे 120 डिग्री है एंगल, तो 30 डिग्री का स्ट्रेन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके काइनेटिक पाथ फॉलो करके ये प्रोडक्ट बना ले। यहाँ पे स्ट्रेन अब कितना हो गया, 19 डिग्री, कितना हो गया 19 डिग्री, तो इस पाथ के फॉलो कर 19 डिग्री भाई, 90 डिग्री था आपका, कितना है 90 डिग्री हो गया ना। अब ये एडॉप्ट कितना करना चाहिए sp3 को, 109 डिग्री ना, तो 19 डिग्री का स्ट्रेन रहा ना, तो ज्यादा फेवरेबल ये वाला पाथ है ना, ये जब बनेगा तो ये स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा। इसे आप बटरफ्लाई शेप में भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं कर रखी है, तो हमारे लिए क्वेश्चन कराना बहुत आसान है। मैं इसे बटरफ्लाई शेप में बना लूं, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन रहती तब हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होती कि हमें वो पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये सीएल है कि नहीं, बोल दो भैया, अब क्या होगा बताओ। देखो, ये जो बॉन्ड है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और ये जो है सिग्मा सीसी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो क्या कर रहे होंगे, इंट्रैक्ट कर रहे होंगे। इंट्रैक्ट करके यहां से बॉन्ड टूट के कहां पे बन रहा होगा आपका, यहां पे बन रहा होगा। जैसे ही इंट्रैक्शन होगा आपका बन क्या जाएगा, ये इसके बीच में बॉन्ड, और इसके साथ आपका क्या जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये स्टेबल भी है बिकॉज बेंट ऑर्बिटल विल बी बिहेव एज अ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से भी बेटर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मार देते हैं मारेंगे तो वही, ये क्या करेगा, ये पुल करेगा ना, ठीक है। ये ग्रुप आपका क्या करेगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगी, किस बॉन्ड को पुश करेगी, इसी को करेगी ना, इससे यही जुड़ा है ना, तभी तो इंट्रैक्शन होगा। ये वाला थोड़ी ना करने जाएगी, ये थोड़ी ना करने जाएगी, आप ये वाला मार देते होंगे, हमें पता है। तो ये पहचान लिया करिए कि कौन बॉन्ड पुश होगा और कौन सा बॉन्ड पुल होगा, है ना। हाँ, तो मेंशन नहीं है तभी करा ले रहे हैं, मेंशन होती तो भी करा लेते, तब कीटोन को उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंस कर देते। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन लेना है, यहाँ साइक्लोप्रोपेनोन नहीं बनेगा, तो आप कौन सी मैकेनिज्म से जा रहे हो, फ्रेगमेंटेशन से। पाइप मेंबर रिंग में आपका क्या बनने का चांस है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बिकॉज उस केस में फ्रेगमेंटेशन भी फेवरेबल नहीं है और साइक्लोप्रोपेनोन का फॉर्मेशन भी फेवरेबल नहीं है। सिक्स मेंबर में नॉर्मल फेवरेस की ही आपकी होनी है, साइक्लोप्रोपेनोन से जाना है। सिक्स से ऊपर जाएंगे तो साइक्लोप्रोपेनोन बनने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो नॉर्मल फेवरेस की से ही रिएक्शन जाने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। आया समझ में, या डेफिनेटली ये सारे फैक्टर रिंग में या साइक्लिक कंपाउंड में, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, ऐसे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेंगे जहां पे आपको सारे वेरिएशन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ए साइक्लिक में तो डेफिनेटली वो फेवरेस की से ही जाना है, साइक्लोप्रोपेनोन टाइप इंटरमीडिएट बनेगी, आपको स्टेबिलिटी, आप कार्बनायन देखना पड़ेगा, उसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट में और आगे रिएक्शन प्रोसीड करानी पड़ेगी। जो वेरिएशंस आपको मिलने वाला है वो किस में मिलने वाला है, साइक्लिक सिस्टम में। क्वेश्चन करो, बहुत हुआ अत्याचार रब की बार मोदी सरकार, है ए बी सी ऑप्शन डी नन, डन। ये भैया तो सी वो छुपा हुआ है, आपको दिखेगा ही नहीं आधा लोगों को, फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई मेरे। अरे बाप रे बाप, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एबीसीडी, कमेंट फास्ट। हाँ,
बना लो जल्दी बनाओ। देखो आप लोगों को टफ ना करने के लिए मैं उसी कंफर्मेशन में डाल दिया हूं। आंसर बताओ भाई, ए और बी सी डी भी लिखा है हमने, कमेंट करिए तड़ातड़। आप लोग भी कमेंट करिए, तब तक थोड़ा सा केक हम और खा लें। कहां से केक लाए? ये छूट गया। ये ठीक है, यहां CO2H होगा। ठीक है, तुम्हारा नन बन रहा है, तब तो करो पार्टी। शैलेश शी सुमन शी, यहां CO2H है, आपके पास एक मौका और है। अपनी मैकेनिज्म नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। आप लोग मैकेनिज्म नहीं करे, साइक्लिक के क्वेश्चन ही ज्यादा करेंगे हम लोग, क्योंकि नॉर्मल तो सबको ही करता है। हाँ तो कमेंट चेंज किया तो अच्छी बात है, डेफिनेटली ये बनेगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो आपका है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से प्रोटॉन नहीं निकालेगा, कारण यहां पे जो आपका डबल बॉन्ड बनेगा, या यहां से भी अगर प्रोटॉन, सॉरी यहां नहीं है, प्रोटॉन तो यहां है ना, यहां से प्रोटॉन नहीं निकालेगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ब्रिजहेड पोजीशन है ना, लेस स्टेबल होगा, तो एनोलेट बनने के चांसेस नहीं है, एनोलेट बनने के चांसेस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हाइड्रोजन वाले में और ज्यादा कंफ्यूज होगे, तो आप सोचोगे कि यहां से हम क्या करा लें, E2 रिएक्शन करा के ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना लें, ये भी लेस स्टेबल होगा, ये भी ब्रिजहेड है। अब वो काइनेटिक पाथ से ही रिएक्शन जानी है, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा, मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करनी है इसको, SN2 पोजीशन कैसी है, टर्सियरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट हाईली क्राउडेड बनेगी, तो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस नहीं है, मतलब ये बनने के चांसेस नहीं है, ये भी बनने के चांसेस नहीं है। चांसेस क्या है कि काइनेटिक पाथ ही फॉलो करा के क्या बना ले, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट OH और O नेगेटिव। अब ये जब डीलोकलाइज्ड होगा तो दो बॉन्ड रिपेल हो सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला, ये रिपेल करोगे तो नेगेटिव चार्ज इसी पोजिशन पे आएगा और यहाँ पे CO2H आ जाएगा, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर ये टूटता है तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां CO2H आएगा, यहां पे आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, ये अटैक करके क्या बना लेगा आपका, ये बराबर है, चाहे यहां लगे चाहे यहां पे, और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, तो चीजें क्या है, पूरी की पूरी बराबर है, कंफर्म है कि नहीं है, तो दिखा दो अंगूठे। आया समझ में? ये तुरंत फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, जैसे ये डीलोकलाइज होगा अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकाल, हाँ फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म से ही प्रोसीड करेगा। सी वाला इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा कि सी जो बन रहा होगा वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दे रहे हैं, कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, बेसिक कंडीशन है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंस से कार्बोकैटायन नहीं बनना, कार्बनायन बनना है, कार्बनायन अगर बनना है तो कार्बनायन TBP जहां पे स्टेबल बनती है उससे जाता है, ये टर्सियरी कार्बन है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, टर्सियरी कार्बन पे जनरली SN2 रिएक्शन नहीं होती, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही सारे प्रेजेंस है तो। ठीक है, TBP की स्टेबिलिटी का आइडिया है कि नहीं है, कि आप भूल गए सब, मामा के घर गया TBP, अब क्या जरूरत है, नानी के घर गया, अरे अभी जो करा रहे हैं वो तो कर लो यार, वो लिख के रखे रहो, YouTube पे है, YouTube पे इसमें बता दो आप लोग क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे, A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा या D बनेगा, फेवरेस की ही है,
कि नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, ऑप्शन ई भी ले लो, नन। अगर किसी का कुछ ना बने तो ई वाला भी कमेंट कर देगा, है ना? क्वेश्चन बढ़िया। हाँ क्यों, मजेदार है कि नहीं, बोल दो। क्या बनेगा, कमेंट फास्ट। हा शैलेश, नवजोत, मुकुल, पारुल, दिव्यांशु, हरीश, ठीक है। बी ए बी क्या बनना है, कमेंट तो करो। सबके सब शांत हो गए, करो 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 करो। अल्कीन वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया मैंने, अब क्योंकि अब जान गए हो, आप पकड़ लोगे अल्कीन नहीं बनेगी, हैं? आपको पता है अल्कीन नहीं बनेगी। ए बी सी डी बोल दो बोल दो। हरीश कह रहे हैं ए, सबका ए बन रहा है, बी बी बन रहा है, कोई बात नहीं। देखो आप SN2 नहीं होना है, ये नहीं बनना है, ये भी नहीं बनना है, या ये बनना है या ये बनना है, अल्कीन भी नहीं बनना है। दो अल्कीन जो बनने के चांसेस हैं वो भी एलिमिनेट्स हो गया, ठीक है। NaOH क्या करेगा, काइनेटिक पाथ ही फॉलो करेगा, जो सबसे फास्ट होगा रिएक्शन। काइनेटिक पाथ फॉलो करके किसका फॉर्मेशन करेगा, काइनेटिक पाथ फॉलो करके आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओ नेगेटिव, और आपका क्या है OH, Na पॉजिटिव लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है Cl, और यहाँ पे भी आपका क्या है Cl, यहाँ पे आपका क्या है OCS3। अब जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा तो देयर इज अ चांस टू ब्रेक टू बॉन्ड, या तो पहला वाला तोड़ दे या दूसरा वाला तोड़ दे, वही टूटेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पहला वाला तोड़ता है, आप कार्बन आयन बना के देख सकते हो, अगर पहला वाला टूटता है तो जो आपका नेगेटिव चार्ज बनना है भाइयों मित्रों, कहाँ बनना है, ये 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 ये, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा CO2H बन जाएगा, और CO2H के साथ यहाँ OCS3 लग जाएगा, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ऐसा कार्बन आयन बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं? अगर दूसरा वाला टूटता है, दूसरा वाला बॉन्ड टूटता है, तो जो कार्बन आयन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ OCS3, और यहाँ पे आपका क्या है CO2H, और यहाँ पे क्या है Cl। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला या ये वाला? नीचे वाला, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, स्टेबलाइज्ड बाय डी ऑर्बिटल, यहाँ स्टेबलाइज्ड बाय डी ऑर्बिटल, एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस वन विल बी मोर स्टेबल। तो फ्रेगमेंटेशन इसके होने, अरे लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे थोड़ी ना प्रेजेंस है, बीचों में एक कार्बन है, कहां से देगा लोन पेयर। बोलो ये बनने के चांसेस ज्यादा है, ये इसके ऊपर अटैक करके इसे बाहर निकाल के जो मेजर प्रोडक्ट बना लेगा क्या ए, यहाँ 4-4 बन रही है, यही एक चांस है, तो ऐसे प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। अरे बॉन्ड भाई फ्रैगमेंट होगा जो पोलर ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की सेंटर की तरफ ज्यादा लोकलाइज्ड हो रही होगी, वो फास्ट ब्रेक होगा। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स प्रेजेंस हैं वो फास्ट होगा, और बनने के बाद कार्बन आयनिक कैरेक्टर्स भी अगर आ रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर आप डायरेक्ट कार्बन आयन स्टेबिलिटी के बारे में देख सकते हो तो भी ठीक है, तो बॉन्ड तो टूटने के इसी के ज्यादा चांसेस हैं इसके कंपैरिजन में। आयो मजो, अगलो करो अगलो, इसमें गलती मत करियो। ऑप्शन डी है नन, ये सी है, ये बी है, और ये ए है,
मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी। नन का ऑप्शन बहुत चल रहा है, इंटरमीडिएट भी इसका बताना होगा आप लोगों को। बढ़िया है ना, हैं? जैसा भी है कैसा है? यस, बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है? ठीक है, देखो अल्कोहलिक क्यूएच यहां तो अटैक नहीं करेगा। अच्छा वेट करें, इतना वेट मत करवाओ। Yeah. Okay. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक पाथ से जाएगा या थर्मोडायनेमिक पाथ से जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हरीश सरबी, सरबी हैं? हाँ? हाँ? क्लियर करें, चले। देखो अल्कोहलिक KOH है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल के प्रोटॉन भी निकाल सकता है, मतलब प्रोटॉन भी निकाल के किसका फॉर्मेशन कर सकता है, अनायन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब ये नॉर्मल फेब्रेस्की टाइप रीअरेंजमेंट भी आपका दे सकता है, और नॉर्मल फेब्रेस्की टाइप रीअरेंजमेंट के बारे में बात करें तो जो आपका इंटरमीडिएट बनना है वो कुछ ऐसा बनना है जी, ये चीज, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये अनस्टेबल होगा, तो थर्मोडायनेमिक से नहीं जाएगा, जाएगा किससे? काइनेटिक से जाएगा, और जब काइनेटिक से जाएगा तो इंटरेक्शन किससे करेगा? बाई एंटीबॉन्डिंग CO से इंट्रैक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा? O नेगेटिव और OH का। ठीक है मित्रों, है कि नहीं सही है? बोलो, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग इनसाइड द रिंग लाई कर रही होगी, और ये CC बॉन्ड इसके पैरलर, यहां पे भी क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, और जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो आपका बनेगा क्या? ये चीज ये कहानी, ये वाला जो कार्बन है जाके किससे जुड़ गया? इससे जुड़ गया। यहां का जो आपका कार्बन है, ये जो कार्बन है किससे जुड़ गया? इससे जुड़ गया। और जब आपका कार्बन इससे जुड़, येलो अंडू करे, कहां गया अंडू? ये कब मिटा है? हाथ लग गया था क्या इस पे? ये कहानी, ठीक है, ये चीज, ये कार्बन जाके आपका किससे जुड़ रहा है? इसके साथ। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ। उत्तर, उत्तर क्या है? बी। अरे वो ब्रिजेट भी है, ये भी तो है, देख नहीं रहे हो आप? खाली फाइव मेंबर रिंग नहीं है, ये भी तो आइडेंटिफाई करना, ये सिक्स ही नहीं है ना, ये भी तो है इसके साथ लगा। ठीक है, या बहुत अच्छे हरीश कुमार, आगे करिएगा। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन वहां? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नन। चल मजेदार क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है,
हमें क्या पता, आप बनाओ क्या बनेगा। ए बढ़िया, हमें क्या पता बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, सबका नन है। हाँ तो बनाओ ना आप काइनेटिक वाला, आप बनाओ। सबका सी आएगा, ये मुझे पता है। मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं, यस और नो में कमेंट करना है, ठीक है। रिएक्शन होगी कि नहीं, यस वाले 1 कमेंट करेंगे, नो वाले 2 कमेंट करेंगे। चलो बोलो रिएक्शन होगी कि नहीं, 1 और 2 कमेंट करना। सुशांत पांडे ए 1, अच्छा अजय कैसे होगी तो कराओ। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और मुकुलानंद कह रहे हैं 2। सोनम डोलकर, सुमन कर्माकर, शैलेश, आरजू, दिव्यांशु तिवारी कह रहे हैं यस, नवजोत, बाकी लोग क्या कह रहे हैं यश। अरे यश क्या हाल चाल है, बर्थडे तुम्हारा बढ़िया से बीत गया। यश कह रहे हैं 2, नो नो 2 2 2। और लोग होगी, बट जो प्रोडक्ट बनेगा लेस स्टेबल बनेगा। अच्छा डी जनरेशन यस, ठीक है आंसर किया है पहले, ये तो ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं होगी। यस क्या रिएक्शन जो है, रिएक्शन जो है होगी। रिएक्शन होगी, अब होगी कैसे, ठीक है रिएक्शन होगी, होगी कैसे गुरु, ये है ना हमारे पास, ये है ना हमारे पास, ये चीज, ये कीटो है और यहां पे क्या है सीएल है, यही है ना मॉलिक्यूल, कुछ दूसरा तो नहीं लिख गया, यही है। हाँ ये थोड़ा सा नोकीला सा नहीं बना, इसलिए कुछ अलग से फीलिंग्स आ रही थी। देखो मित्रों हाइड्रोक्साइड आयन जो है बीटा एलिमिनेशन तो करने नहीं जाएगा, बिकॉज ब्रिज हेड पे एल्कीन बनेगी तो बी बनना नहीं है। सब्स्टिट्यूशन करने नहीं जाएगा बिकॉज वो एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ना तो एंगल ऑफ अप्रोच वो एडॉप्ट कर पाएगा यहाँ पे बेसिकली, और ना ही टीबीपी अपनी स्टेबल बननी जी। क्या किसको, हम बेसिक होगा लेकिन होगा ना। खेम क्वांटा ये फिर सब जगह अपनी ही है, जहां फ्री में कंटेंट मिले ले लो, डेफिनेटली हर जगह ज्ञान बट रहा है, जहां से लपेट सकते हो लपेट लो, लेकिन ये ध्यान रखना ठोक बजा के लपेटना, नहीं तो अमिताभ बच्चन वाला जो प्रचार है ना गुरु, केबीसी वाला नोट वाला, याद है ना नोट वाला प्रचार, चिप किस में लगी है नहीं, जीपीएस किस में पाया जाता है, तो भाई ज्ञान ठोक बजा के ले ला, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, देखो आप क्या अटैक करेगा इसके ऊपर, ओके डन, इसके ऊपर अटैक करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा आपका, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का OH और आपका क्या O नेगेटिव, सीएल है
सीएल का एंटीबॉन्डिंग कहाँ पे लाई कर रहा है? जब हम ये मॉलिक्यूलर मॉडल बनाएंगे ना, तो हमें एंटीबॉन्डिंग कुछ ऐसा दिखेगा इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर। अब ये टेट्राहेड्रल जब स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा सीसी में दे सकता है, इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा सीसी में दे सकता है। इसमें देगा तो कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसमें अगर देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ेगी, यहां पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस पोजीशन पे इंट्रैक्ट करे तो इस बॉन्ड के सिग्मा सीसी में दे सकती है कि नहीं, और जब इस सिग्मा सीसी के बॉन्ड में देगी तो ये वाला सिग्मा सीसी टूट के इसके साथ जुड़ सकता है कि नहीं, सब बता रहा हूं। एक मिनट बहुत ध्यान से देखना, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं फिर देखना है। आप ट्रांजिशन स्टेट बना के जैसे ही हम बनाएंगे ना सब समझ जाओगे आप, ये कहानी है, ये कहानी है, ठीक है। और आपकी क्या है, थोड़ा सा पहले यहीं पे बना दूं, ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। दूसरा रंग यूज कर लेता हूं, आप समझ जाओगे, बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद मैं और अच्छे से समझा दूंगा। अगर किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो वो मुझसे जरूर पूछेगा। देखो यहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये मोटा थोड़ा सा लिख रहा हूं, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा जैसे दे देगा। यहां नेगेटिव चार्ज आए तो ये बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हो सकता है कि नहीं, नहीं कि हां, नहीं, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे दे, ध्यान दियो, रुक जाओ भाई, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इधर इंट्रैक्ट करे, यहां एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाए, और ये बॉन्ड जो आपका है क्या होना स्टार्ट हो जाए, ब्रेक होना, और किसके बीच में डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाए, इसके बीच में, और ये बॉन्ड आपका क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। हो क्या कह रहा है, यहां पे बॉन्ड मेकिंग चल रही है, यहां पे क्या चल रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, यहां पे क्या चल रहा है, बॉन्ड मेकिंग चल रही है, यहां पे क्या चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है, और यहां पे क्या चल रहा है, बॉन्ड मेकिंग चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है। जहां बॉन्ड बन रहा है वहां बना लो, जहां टूट रहा है वहां तोड़ दो। चल आ जाओ, अब देखना क्या है हमारे साथ, ये कहानी, ये कहानी। जहां बन रहा है वहां आप बना लो, और जहां टूट रहा है वहां तोड़ दो। ये 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 इधर तो कुछ भी नहीं, डिस्टरबेंस नहीं है ना, तो इधर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ भी क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड और OH बन रहा है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ऊपर वाला बॉन्ड टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये रिएक्शन है, है? तो यहां बहुत कुछ पहली बार देखने को मिलेगा समरजीत, है? आप इसे नॉर्मल कन्वर्ट कर दो, नॉर्मल कन्वर्ट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। एक पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंस है, सी डबल बॉन्ड ओ OH। दो पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड, यही ना आ रहा है, दो पे ही आ रहा है। तीन पे आपका क्या है, कुछ नहीं, और चार और पांच के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ये फाइनल प्रोडक्ट है, कंफर्म। किसी को डाउट है, बोलो बोलो बोलो, है किसी को संदेह? ऊपर वाले का इसलिए नहीं तोड़ा बिकॉज नेगेटिव चार्ज इसी सेंटर पे आता जहां पे लिविंग ग्रुप है, स्टेबलाइज्ड नहीं होता। यहां जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये इंट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके साथ रुकना स्टार्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर। है आया मजा, ठीक है, दिल नहीं मान रहा है, हैं?
हम तो आपके दिल को मनाने के लिए यहाँ थोड़ी ना बैठे हैं। दाली मैगी भी बन गए डोसा। हाँ ठीक है। सारा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ही गया है। प्राइमरी प्रोसेस क्या हुआ, पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ में दिया, इंटरमीडिएट बना, फिर इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में दिया, फिर ये सिग्मा सीसी इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी से इंटरेक्ट किया, फिर इसका सिग्मा सीसी इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीएल से इंटरेक्ट करके सिग्मा सीएल टूट के बाहर निकल गया। अब आप बना सकते हो ऐसे संरचनाएं, ठीक है, डन है। चलिए चलिए, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा, कभी कभी माइंडसेट अलग होता है, कुछ बताना चाहते हो तब तक आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो, वो मिस हो जाती हैं चीजें, फिर आप बाद में उसी को डाउट पूछते हो, ये बता दो ये बता दो, तो कभी बोल लिया देने करो, फिर पूछा करो कि ये आप बता, ठीक है ठीक है। सैडली फॉर एंटी बॉन्डिंग, अरे कुछ ना एंटी बॉन्डिंग बदे सैडली कहे हैं भाई, सब एंटी बॉन्डिंग है, कहां से देख रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो रिएक्शन कहां होगी, ये बात कर सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी वो पुअर होगी, दैट्स वाई दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस मोर टाइम, इतने आसानी से ये नहीं होगा ऐसा रिएक्शन, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ एंटी बॉन्डिंग सीसीएल में, अच्छा मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो ना, अरे ये बताओ इसी कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों पैरेलल कहाँ है, दोनों बॉन्डिंग ओरिएंटेशन एंटी बॉन्डिंग ओरिएंटेशन तो सेम कार्बन पे ही है ना, तो वो कहाँ मैकेनिज्म देगा, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपका अल्फा एलिमिनेशन होता है रिएक्शन, वैसा यहां ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है क्लियर, पैरेलल कौन दिख रहा है सोनम, अच्छा ये यहां पे करा दे रही हो, इसके साथ इंटरेक्शन करा दो, वो हाईली अनस्टेबल बन रहा है, ठीक है, कैसा बन जाएगा, वो तीन एक दो तितली, उसके नीचे भी उसकी तितली, ठीक है, ऊपर CO2H, ठीक है, एरोप्लेन की तरह कुछ हाईली स्ट्रेन्ड प्रोडक्ट, ठीक है क्लियर, सही है, और करें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, अब आप जा सकते हैं सुकून की नींद सो सकते हैं, फेवरेस्की की लड्डू वाले क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे और कुछ अच्छे भी करेंगे। क्या हुआ, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।